भारतीय किसान संघ विगत 15 वर्षों से बागली और हाटपिपलिया विधानसभा को नर्मदा का पानी मिले इसके लिए मांग कर रहा है, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के चलते आज तक क्षेत्र को पानी नहीं मिला है। हालांकि वर्तमान में उक्त क्षेत्र से निकली योजना में बागली विधानसभा के गाँव को भी नहीं जोड़ा गया है, जिसके चलते भारतीय किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई बार मुलाकात कर क्षेत्र को पानी देने की मांग की गई। मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हाटपिपलिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की घोषणा की गई थी, लेकिन उक्त घोषणा को भी 1 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन आज तक प्रशासनिक मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा नहीं दी गई। इसको लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा बागली के चापड़ा में विकासखंड स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मंगलवार के दिन से प्रारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान शामिल हुए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन के पहले दिन धरना स्थल पर किसानों द्वारा भगवान बलराम का पूजन किया गया और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था कि हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। कलेक्टर महोदय ने हमको समय देने से मना कर दिया। फिर हमने भोपाल द्वारा भोपाल कार्यालय से फोन लगवाया और फिर कलेक्टर ने हमको बोला कि किसान धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या मांगे और कब तक यह धरना चला है, क्या रूपरेखा है पूरी? भारतीय किसान संघ विकासखंड बागली द्वारा ये अनिश्चितकालीन धरना आज चापड़ा में 30 तारीख से चालू हुआ है। हमारी मांग ये है कि जो हाटपिपलिया सिंचाई योजना मंजूर मुख्यमंत्री ने सिंचाई योजना को सैद्धांतिक मंजूरी हाटपिपलिया में दी थी, उसकी अभी तक कैबिनेट में उसको पास नहीं किया गया है और प्रशासनिक मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। उसके बाद अभी 3 योजनाएं सांवेर, नरसिंहपुर और डिंडोरी, इनकी योजना को टेंडर में लाया गया है, लेकिन हाटपिपलिया सिंचाई योजना को अभी तक वहीं का वहीं लटका के रखा है। इसलिए किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय किया है। पर जो चापड़ा में धरना प्रदर्शन आज से शुरू किया गया अनिश्चितकालीन, तो क्या है इसका पूरा मामला? अब सरेआम आप लोगों को भी विदित है, आप भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, कि जहां से नर्मदा जिस जिले के किनारे से निकली हुई है और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, यहां पानी गिरता है तो पूरा बह के नीचे निकल जाता है, पूरा यूपी तक यहाँ का पानी जाता है और इस क्षेत्र को पूरा छोड़ दिया है। तो इस अन्यायपूर्ण जो रवैया हमारे साथ हुआ है नर्मदा जी के पानी के लिए, उस रवैया के खिलाफ हमें जब तक यहाँ पानी नहीं मिलेगा ये धरना और दिनों दिन इसका रूप बदलते हुए हम इस धरने को अनिश्चितकाल के लिए चलाते ही रहेंगे। उसके लिए रूप बदलने में जो भी फिर आगे जाके करना पड़े वो सब करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।